कोरोना संक्रमण के दौर में लोग कानून को हाथ में लेने से बाज नहीं आते हैं। कोरोना संक्रमण में सरकार के गाइडलाइन का पालन करने में भी लोगों को गुरेज होता है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोग कितने लापरवाह और कानून को तोड़ने वाले हैं। ये पता तब चला जब बोकारो में गाइडलाइन का पालन कराने गए दरोगा ने स्थानीय दुकानदारों से इसका पालन करने को कहा। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाद बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने गए दरोगा पर स्थानीय दुकानदारों ने पथराव कर दिया। इसके बाद दरोगा के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराते हुए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। दरोगा पिंकू सिंह ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी बाजार में लगी हुई थी। यहाँ सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही दुकान खोलने का निर्देश दिया गया था। एक दुकानदार की ओर से दुकान खोलकर खुदरा नींबू बेचा जा रहा था। इसी दौरान उसको मना किया गया। मना करने के बाद वह पुलिस से ही उलझ बैठा। उलझने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसे लेकर जब थाने पुलिस जा रही थी उसी दौरान दुकानदारों और लोगों ने पुलिस को पीछे से पथराव कर दिया। सर आपके साथ सुबह हम लोग का यहाँ पर ड्यूटी लगा दुंदी बाग में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उसी क्रम में काफ़ी संख्या में भीड़ था तो हम लोग आए, उसको बोले कि भीड़ यहाँ से हटा लीजिए। उसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी हम लोग थाना ले गए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करने लगा, वो उलझ गया। तो उसको जब हम लोग पकड़ के यहाँ से लेकर जा रहे थे तो पीछे से जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, हम लोग पीछे से पथराव किए, जिसके बाद हम लोग उसको लेकर गए तो फिर वो लोग हट गए यहाँ से, फिर फोर साइड सब भाग गए। क्या था मामला? मामला था कि हम लोग आए यहाँ पर, काफ़ी संख्या में भीड़ था तो हम लोग बोले कि यहाँ पर ये किया गया दुंदी बाग में, बहुत ये करते हुए मार्केट को यहाँ से सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है और केवल होलसेलर खोलने का अलाव है। तो उसी क्रम में भीड़ लगा था, नींबू बेच रहा था, तो हम बोले इसको कि यहाँ से भीड़ हटाने के लिए कि यहाँ से हट जाइए और अंदर कर लीजिए। जिस क्रम में वो गाली देते हुए उलझ गया तो उसको हम लोग फोर्स और हम मिल करके उसको पकड़ करके थाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस क्रम में बाजार के अन्य लोग आए और पीछे से पथराव करने लगा। दुंदीबाग बाजार में जैसे यहाँ पर पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनिधि है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, तो आज सुबह का जो हमारे पदाधिकारी हैं एसआई पिंकू कुमार सिंह, उनके साथ एक दो लड़कों ने बदतमीजी किया जिसको रोकथाम करने का प्रयास किया गया, तो उसी के साथ लोग उलझ गया और इसके साथ जो सो मारपीट किया गया। और इसके साथ ही जो सो आसपास के दुकानदार जो हैं उनके स्टाफ लोग जो सो पीछे से लोग पर पथराव किया। घटना में कौन लोग जख्मी हैं? जख्मी कोई नहीं है, हमारे पदाधिकारी के साथ उठापटक हुआ, उनका वर्दी जो सो गंदा है देख सकते हैं आप, और उनका वर्दी का ये बैच वगैरह जो सो फाड़ दिया गया है। क्या नाम है पदाधिकारी का? पिंकू कुमार सिंह। भीड़ ने दारोगा के साथ मारपीट भी की, उसके साथ उठापटक भी हुई और इस घटना के बाद बाजार को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लोग कानून को हाथ में लेने से भी डर नहीं रहे हैं और ऐसे में झारखंड में लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए था वो सख्ती पुलिस की ओर से तो अपनाई जा रही है, लेकिन लोग उसका पालन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। उपद्रवियों के द्वारा जिस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है उससे यही लगता है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने में लोगों को न केवल दिक्कत हो रही है बल्कि वो लोग अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।